इंजीनियर आज बात करने वाले डेवलपमेंट लाइन। हाँ भाई डेवलपमेंट लाइन तो तुम्हें भी पता होगा कि क्या होती है, परंतु आज जानने वाले ये 47D कब हो जाती है, 35D कैसे होती है और साथ ही साथ ये कौन से कंडीशन में क्या होने वाली है। क्या आपको पता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट से भी डिफरेंस होती है, और इस रेइंफोर्समेंट से तो डिफरेंस होगी, तो अभी कैसे पहचाने की क्या होता है ये। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ। अभी डेवलपमेंट लेंथ तो आप लोग बोलेंगे पता है, हम लोग तो हरदम 47D या फिर 50D लेके चल देते हैं। अब ये ध्यान रखो, इंजीनियर है अपन लोग, तुक्का मानना कॉन्ट्रैक्टर का काम है। आप इंजीनियर है तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे किस चीज की वैल्यू आई है। तो आज के वीडियो में ये पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं IS कोड क्या बोलता है। IS कोड तो एक फॉर्मूला दे देता है सिंपल डेवलपमेंट लेंथ का। अब ये डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला दे देता है, इसमें बहुत सारी चीज अपन लोग को समझ में नहीं आ रही है, परंतु वो बोल देता है। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। फाई दिया है, फाई तो समझ में आ गया, डाया ऑफ बार है। अब उसके बाद सिग्मा दिया है, सिग्मा क्या बोल रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी बात कर रहा है, स्टील के कांड, आपकी टेंशन के कांड जो डेवलप हो रही है उसकी बात कर रहा है। अब इसका भी वैल्यू अपन लोग को पता है, उसको आगे चल के देखते हैं। उसके बाद एक और वैल्यू दिया है टाउ, जो क्या है, डिजाइन स्ट्रेस है। अब डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू तो अपन लोग अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक टेबल दिया है। अब ये टेबल दिया है, परंतु मैं बोल रहा हूँ ये टेबल की वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों ये टेबल की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए क्या लिखा है, प्लेन बार के लिए दिया है, वो भी टेंशन साइड के लिए। अपन लोग कौन सी बार यूज करते हैं, अपन लोग बार यूज करते हैं डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार यूज करते हैं, परंतु यहाँ तो प्लेन बार के लिए दिए। तो अब क्या कर लें, अब इसके लिए हेल्प करना पड़ता है, दूसरे IS कोड की तरफ जाना पड़ता है। दूसरे IS कोड में क्या दिया, कभी भी आप टेंशन साइड को कंप्रेशन साइड में ले जाने हैं, या फिर बात करें आपकी प्लेन बार है और आपको डिफॉर्म बार में उसका स्ट्रेस निकालना है, तो लगभग 60% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 60% इंक्रीज मतलब 1.6 टाइम एक्स्ट्रा। अब बात कर लेते हैं कंप्रेशन साइड के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कंप्रेशन साइड के लिए उसी बार की, मतलब जिस बार का आपने टेंशन निकाला है उसी बार का 25% और करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अब अपन लोग को ये टेबल पे दिया तो है पूरा टेंशन का, किसका दिया है, टेंशन का, प्लेन बार का। कहीं इसको डिफॉर्म बार में करना रहेगा तो इसको 60% इंक्रीज करना है, 60% इंक्रीज मतलब 1.6 टाइम इसमें इंटू करना रहेगा। अब जो वैल्यू आई है उसी का अपन लोग को कंप्रेशन साइड में जाना है तो उसमें और इंटू करना रहेगा 1.25। अब ये पूरा अपन लोग कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन इस कारण कर रहे हैं जिससे आपको पता रहे कि 47D आया है तो 47D क्यों आया है, या फिर मैं साइड में कुछ और कंडीशन यूज कर रहा हूँ, Fe415 और M20 का आता है 47D, परंतु बाकी कोई और बार यूज किया हूँ या फिर कोई और ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया हूँ तो मुझे कितना देना है डेवलपमेंट लेंथ, वो पता रहे, आपको निकालना आ सके। अब चलते हैं डेवलपमेंट लेंथ को निकालने के लिए, परंतु उसके पहले अभी जो टाउ की बात कर रहे थे, मैंने बताया 1.6 टाइम एक्स्ट्रा करना है और 1.25 एक्स्ट्रा करना है। एक बार पूरी टेबल बना लेते हैं जो एक्स्ट्रा करके मिले, और ये पूरी वैल्यूज हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग है वहां पर मिल जाएगी, चैन से देख सकते हो। अब जैसे बात करें ये टेंशन साइड की, ये तो अपन लोग को IS कोड में दे दिए, परंतु उसकी बात करूँ डिफॉर्म बार की, डिफॉर्म बार में कितना करना है, 60% इंक्रीज, मतलब 1.2 को इंटू करना है 1.6 से, तो कितना वैल्यू आ जाता है, 1.92। इस तरह से पूरा निकला है। अब यहाँ पर आपको आसान हो तो इसके कारण किनारे पे लिख दिया हूँ कि कितना इंक्रीज किए, इसको अपन लोग टी बोल रहे हैं, तो टी को इंक्रीज किए 1.6 टाइम। अब यही चीज कंप्रेशन की बात करूँ, नॉर्मल प्लेन बार रहेगी कंप्रेशन में तो कितना इंक्रीज करना रहेगा, 1.25। तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया अपन लोग। अब डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार ही अपन लोग यूज करते हैं साइड में। अब उसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो IS कोड में दिया है उसमें सबसे पहले 1.6 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा। 1.6 टाइम क्यों इंटू कर दें, क्योंकि वो प्लेन बार से डिफॉर्म बार में चेंज कर दें। उसके बाद 1.2 टाइम्स और एक्स्ट्रा करना है, 1.25 टाइम्स क्यों एक्स्ट्रा कर दें, जिससे वो टेंशन का कंप्रेशन में जा सके। अब ये कंप्रेशन में इंक्रीज क्यों हो रहा है, कंप्रेशन सहने की ताकत ज़्यादा हो जाती है इसके कारण। अब इस हिसाब से एक निकालते हैं अपन लोग, सबसे पहले M20 की बात कर लेते हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करें, Fe250 यूज कर दो, तब क्या कंडीशन होता है वो जानते हैं। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो IS कोड में दिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कैलकुलेशन करते करते मैं थक गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस समझने की देर है। सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाई, फाई तो आप लोग से बात हो चुकी क्या है, अपन लोग अभी फाई लिख देंगे, ये है आपका डाया ऑफ बार। दूसरा क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, मतलब स्टील के अपन लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये भी आसानी से निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, 0.87 टाइम्स FY, FY क्या है आपका 250 का 250 रहेगा, 415 का 415 रहेगा, 500 लिए तो भी 500 रहेगा, तो उस हिसाब से आपको FY मिल जाएगा, तो आपका ये चीज भी सॉल्व हो गया। अब तीसरी चीज टाउ, मतलब डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस अपन लोग ने एक पहले निकाला था, पूरे हर एक चीज का निकाल चुके हैं,
अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं अपन लोग FE250 का। FE250 इनचली अपन लोग साइड में यूज नहीं करते तो भी अपन लोग को पता रहे FE250 का यूज कर रहे हैं, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलेगा, सबसे पहले फाई को फाई रहने देते हैं, वो डाया और बार है, आप जो डाया यूज करेंगे वो लिख देंगे। उसके बाद क्या दिए, सिग्मा, इसका वैल्यू अपन लोग लास्ट उसमें देखे थे क्या था, 0.87 FY। अब यहाँ पर 0.87 लिखे, FY यहाँ पर कितना है 250, डायरेक्ट 250 लिख दिए। उसके बाद फोर टाइम्स लिख दिए। अब टाउ बी डी क्या दिए, टाउ बी डी अपन लोग को M20 का निकालना है, प्लेन स्ट्रेस का, तो 1.2। इस हिसाब से आप पूरी वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं तो कितना आया 45D। ये फाई क्या है, आप जो डी यूज करते हैं वो है। अब इस हिसाब से आप हर एक चीज का निकाल सकते हैं, M20, M25, M30, तो ये पूरा आप लोग के लिए निकाल लिया हूं। साथ ही साथ ये कंप्रेशन साइड के लिए भी निकाल सकते हैं। कंप्रेशन साइड के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, जो टाउ की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, अपन लोग ने पहले देख चुका है। अब इसको पूरा आप लोग एक बार सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं जो रियल कंडीशन में आपको साइट में जरूरत पड़ने वाली है, M20 FE415 या फिर M25 FE415, उनके बारे में बात करते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ निकाल रहे थे अपन लोग, किसकी निकाल रहे थे, FE415 की, M20 के लिए, जो ग्रेड अपन लोग यूज करते हैं साइट में यूज करते हैं, हर सबसे ज्यादा वही यूज होता है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो निकाल देते हैं। अभी सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू देखते हैं। सिग्मा की वैल्यू अपन लोग को पता है क्या होती है, 0.87 FY। FY यहां क्या हो जाएगा, 415, तो 415 लिख लिए। अब उसके बाद 4 × आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना है, डिजाइन स्ट्रेस अपन लोग जो पहले टेबल पे देखे थे, ये दिख रहा है यहां से निकले है डिजाइन स्ट्रेस। अब इसके हिसाब से निकालेंगे तो 47D, 47.5 दिख रहा है, वो 47D है। तो इस हिसाब से आपका जो 50D इन जनरल बोल देते हैं वो यहां से आया है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। अब इसके बाद कहीं मैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट चेंज करता हूं तो क्या होगा, अब जैसे अपन लोग ने देखा M20 के लिए कितना आया, 47D आया, परंतु अपन लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं, M25 करते हैं, तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट लेंथ बढ़ेगा कि छोटा होगा, अरे भाई छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अपन लोग ने कंक्रीट की स्ट्रेस बढ़ा दी, उसकी बॉन्डिंग पावर बढ़ा दी, इसके कारण ये कम हो गया, अब आ गया 40। अब और इंक्रीज किए, M30 यूज किए तो और कम हो जाएगा, 37.6 हो जाएगा। इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन अपन लोग के कॉन्क्रीट, साथ ही साथ जो अपन लोग ने बार यूज किए, आपकी FE415 यूज किए हो कि FE500 यूज किए, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। तो कहीं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूले। तो इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।